आज अखिल भारतीय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का भारत बंद का ऐलान था, जिसके चलते सागर जिले के राहतगढ़ में बंद को व्यापक समर्थन मिला और सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे। राहतगढ़ में यह बंद दवा विक्रेताओं ने अखिल भारतीय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर जिला औषधि विक्रेता संघ के बैनर तले किया। नगर में लगभग सभी 18 मेडिकल स्टोर पूर्णतः बंद रहे। साथ ही दवा विक्रेताओं ने सीएम के नाम एक ज्ञापन एसडीएम राहतगढ़ को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि आज जिस तरह ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा दवाएं बेची जा रही हैं, वह ड्रग्स और प्रसाधन सामग्री 1940 का उल्लंघन है और साफ तौर पर नियमों की अनदेखी है। ज्ञापन के दौरान सभी मेडिकल स्टोर संचालक उपस्थित रहे। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में जो दवाई की ऑनलाइन बिक्री हो रही है, उसके विरोध में आज राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। इसी तारतम्य में हमारे जिला केमिस्ट एसोसिएशन सागर के आह्वान पर आज राहतगढ़ में भी हम सभी केमिस्टों ने यहां पर विरोध स्वरूप दुकानें बंद की हैं और ज्ञापन वगैरह दिया। आज हमारे माननीय एसडीएम साहब, उनको एक ज्ञापन दिया गया है।